अमित शाह जी तय करेंगे कि हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है। ये अमित शाह नहीं तय कर सकते, ये नरेंद्र मोदी नहीं तय कर सकते, ये सिंध से आए हुए कोई अडवाणी नहीं तय कर सकते कि हम भारत के नागरिक हैं या नहीं है। हमारे पुरखे इसमें दफन है, हम इस मिट्टी से पैदा हुए, इसी मिट्टी में मिलेंगे मरेंगे, कोई नरेंद्र मोदी कोई अमित शाह हमें नहीं निकाल सकता। और मुझे फख्र है इस देश के हिंदू भाइयों पर जो मुसलमानों से ज्यादा सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस देश की ये जो मजबूत डोरी है हिंदू मुसलमान की, इसे कोई अमित शाह नहीं तोड़ सकता। कभी की आवाज बगावत में उतर आई है, दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं। तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी है, ऐसे जैसे इस देश की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं। छात्रों ने गुनाह कर दिया कि कैंपस में घुस गई पुलिस, और अब सरकार ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि हजारों लोग हेडक्वार्टर को घेर लिए? कहीं गलत तो नहीं हो गया फैसला मोदी साहब की जोड़ी से? मैं पिछले 6 साल से सोच रहा हूँ कि छात्रों ने क्या गलती कर दी है कि नरेंद्र मोदी साहब लगातार छात्रों से बदला ले रहे हैं। अमित शाह जी लगातार छात्रों से बदला ले रहे, कभी उनके निशाने पे जेएनयू है, कभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी का रोहित बेमुला है, और अब जामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। शायद इनकी पढ़ने लिखने वालों से दुश्मनी है, सिर्फ इनका गुनाह इतना है बच्चों का कि ये पढ़ लिख रहे हैं और जो साहब हैं वो अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं। तो कुछ ऐसी ही दुश्मनी है जो शाश्वत है, और मुझे लग रहा है ये चलेगी, इनके सत्ता से बेदखल होने तक ये लड़ाई चलेगी, मुझे ऐसा लगता है। अभी जिस तरह से खबरें आ रही कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी छात्रावास में घुस गई है पुलिस, तो यहाँ तो दिल्ली पुलिस है, वहाँ यूपी पुलिस है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है कि वो माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूट है इसलिए, या सरकार एक है इसलिए? दोनों में कॉमन सिर्फ एक चीज है, उनके दिमागों में उनके दिलों में भरी हुई नफरतें, वो नफरतें जो लाठियों में उतर आती हैं जब किसी माइनॉरिटी के बच्चे पे वो लाठियां बरसती हैं, तो सिर्फ वो नफरतें। मैं आज जामिया के आसपास मौजूद था, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने पूरी बेशर्मी से लड़कियों पे लाठियां बरसाई। वो तस्वीरें दिल्ली पुलिस के गाल पे बहुत शर्मनाक तमाचा है। दिल्ली पुलिस को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने लड़कियों पे जो लाठियां बरसाई हैं वो सदियों तक इन्हें बेशर्मी का एहसास दिलाती रहेंगी। इस वक्त पूरा देश जाग रहा है, नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को पता नहीं नींद आई है नहीं आई है, शायद हमारे नारों का शोर उन तक जा रहा होगा। उनके बच्चों की उम्र के जामिया के बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है, थानों में जमा है, पता नहीं नरेंद्र मोदी जी को नींद कैसे आती है। इतनी बेहिसी तो इससे पहले किसी हुक्मरान के अंदर, वही जगह है, एक महीने पहले दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ बैठ कर प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे थे कि विरोध प्रदर्शन हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। क्या अब एक महीने बाद उस लोकतांत्रिक अधिकार पर आपको क्या लगता है दमन कर रहे? मैं खुद वकीलों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का साथ दे रहा था, क्योंकि जब वो अपने बीवी बच्चों को लेकर के सड़क पर उतर के मानवाधिकार की बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि नहीं गलत। जब वो वीडियोस आए जिसमें उनकी एक डीसीपी के को वकील दौड़ा रहे थे तो मुझे भी बुरा लगा, लेकिन आज वीडियो देखने के बाद मुझे अफसोस है कि मैंने उनके लिए ट्वीट क्यों किए, मैंने उनकी हिमायत में आवाज क्यों उठाई। मानवाधिकार की दुहाई देने वाली दिल्ली पुलिस इतनी निर्लज्ज है, मुझे हैरत है, उसे तब मानवाधिकार याद नहीं आता जब उसकी लाठियां लड़कियों पर बरसती हैं। बेशर्म दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस को आदेश देने वाली बेशर्म सरकार पता नहीं कब जागेगी। मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी पता नहीं कि सत्ता के नशे में चूर हैं, रिश्तों की ये नाजुक डोरी तोड़ी थोड़ी जाती है, अपनी आंखें दुखती हों तो फोड़ी थोड़ी जाती है। आप अपनी आंखें फोड़ देना चाहते हैं, आप उन बच्चों को मार देना चाहते हैं। मैं गुजर रहा था उधर से, मुझे लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी में आपने आंसू गैस के गोले चलवाए, मुझे शर्म आ रही है, मुझे गुस्सा है इस वक्त कि आपने लाइब्रेरी में आंसू गैस के गोले भरवा दिए, आपने वहां गोलियां चलवाई। अंदर से मुझे बच्चों के फोन आए, दसियों बच्चों के, कि हमें बाहर निकलवाइए, हमारी आवाज उठाइए, हमारा दम घुट रहा है, हम मर जाएंगे। वो आवाजें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही। नागरिकता संशोधन बिल के जरिए एक कोशिश ये थी कि दोयम दर्जे की नागरिकता का एक सिगुफा छोड़ करके कहीं ना कहीं कुछ लोगों की नजरों में कम्युनल पोलराइजेशन का एक फायदा मिलेगा, कहीं वो उल्टा तो नहीं पड़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे लोग एकजुट होकर के उसी बात को उल्टा साबित कर दे रहे हैं? अब अमित शाह जी तय करेंगे कि हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं।
जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है। ये अमित शाह नहीं तय कर सकते, ये नरेंद्र मोदी नहीं तय कर सकते, ये सिंध से आए हुए कोई अडवाणी नहीं तय कर सकते कि हम भारत के नागरिक हैं या नहीं है, हमारे पुरखे इसमें दफन है, हम इस मिट्टी से पैदा हुए, इसी मिट्टी में मिलेंगे मरेंगे, कोई नरेंद्र मोदी कोई अमित शाह हमें नहीं निकाल सकता, ये तय है। पिछले 5-6 सालों से लगातार हर मुद्दे पर देश भर में जिस तरह से जाजाकरा प्रतिक्रियाएं देते रहे हैं, एक चीज अब जोड़कर बताइए, 6 सालों में मॉब लिंचिंग एक अमानवीय घटना होती रही लेकिन मुसलमान चुप रहा, वो इस तरह से हजारों की संख्या में सड़कों पर नहीं आया, तमाम तरह के अत्याचार होते रहे, कभी नजीब की हत्या होती रही, कभी एएमयू, कभी जामिया के तमाम छात्रों पर अत्याचार होते रहे, चुप रहा, ऐसा क्या हो गया कि 6-7 बाद अब देश भर के कोने कोने से लोग सड़कों पर आ रहे हैं, क्या ये आखिरी आती है? बर्दाश्त की एक हद होती है, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे, हम नजीब का मातम करते रहते हैं कि हमें पहलू दे दिया जाता है, हम पहलू खान का रोना रोते रहते हैं कि हमें तोहफे में जुनैद दे दिया जाता है, हम जुनैद का रोना रोते रहते हैं कि हमें तबरेज अंसारी दे दिया जाता है, और हम मॉब लिंचिंग के लिए अपना लहू जंतर मंतर पर दान कर देते हैं, उसके तुरंत बाद हमें कह दिया जाता है कि आओ एक रजिस्टर है उसमें दर्ज करवाओ अपना नाम, ये तय होगा कि तुम इस देश के नागरिक हो या नहीं, उसके बाद फिर देश का गृह मंत्री अपनी सभा में खड़ा होकर कहता है कि हम बाकियों को तो नागरिकता देंगे लेकिन उसमें मुस्लिम शब्द कहीं नहीं आता, वो जो हिंदू मुसलमान करने की उनकी कोशिश थी उनको भारी पड़ रही है, असम जल रहा है, गुवाहाटी जल रहा है, मेघालय जल रहा है, वहां मुसलमान नहीं खड़े हैं पुलिस की लाठियों और गोलियों के सामने, वहां इस देश का अमन पसंद हिंदू भाई खड़ा है जो कह रहा है कि हम अपने कल्चर से समझौता नहीं करें, हम तुम्हारी बांटने वाली नीति से समझौता नहीं करें, और मुझे फख्र है इस देश के हिंदू भाइयों पर जो मुसलमानों से ज्यादा सड़कों पर उतरे हुए हैं, इस देश की ये जो मजबूत डोरी है हिंदू मुसलमान की, इसे कोई अमित शाह नहीं तोड़ सकता, कोई नरेंद्र मोदी नहीं तोड़ सकता। आखिर में सरकार की तमाशा पता है, मीडिया क्यों जश्न मना रहा है? मीडिया इस वक्त अपनी सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, उसने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बिल्कुल रसातल में पहुंचा दिया है, आज वो जिनकी चाटुकारिता कर रहे हैं, जिनके चरणों में पड़े हुए हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हें बहुत पछताना पड़ेगा, जब चंद पत्रकारों को जो ट्रोल किया जा रहा है, जो गालियां दी जा रही हैं, कल बीबीसी की एक पत्रकार का आज ही पकड़ करके उनके बाल खींचे गए, उनका मोबाइल तोड़ दिया पुलिस ने, इंतजार करें गोदी मीडिया के जो एंकर हैं, इंतजार करें गोदी मीडिया के जो बाकी रिपोर्टर हैं, जब नरभक्षी के मुंह में खून लगता है तो वो फिर अपना एक शिकार जो टारगेट वाला होता है उसका खून पीने के बाद फिर वो आगे बढ़ता है, फिर वो जो सामने आता है उसका खून पीता है, पत्रकारों को इंतजार करना चाहिए, उनका भी नंबर आएगा, बहुत जल्द उनका नंबर आएगा, तीनों के लिए, सरकार के लिए, मीडिया के लिए और सरकार की सहयोगी तमाम दक्षिणपंथी संगठनों के लिए क्या कहना चाहेंगे और आगे अति कहां है इस पर? देखिए डॉक्टर उदय प्रताप जी की एक कविता है, उसके दो बंद मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उन्होंने कहा है बहुत सलीके से कि कोई खुशबू ना कोई फूल ना कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती, हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती, रात बस रात ही होती तो कोई बात नहीं, उसका आकार मगर दूना नजर आता है, जितने चमकीले सितारे थे वो सब डूब चुके, सारा आकाश बड़ा सूना नजर आता है, बुलबुले खुश थी उम्मीदों के तराने गाए, लेके पतझर से बहारों को चमन सौंप दिया, अब तो मासूम गुलाबों की ये घायल खुशबू शीश ढूंढती है, खारों को चमन सौंप दिया, कभी की आवाज बगावत में उतर आई है, दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं, तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे जैसे इस देश की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं, वरना अंजाम वही होगा जो पहले भी हुआ, कुर्सी तो कुर्सी है निगाहों से उतर जाओगे, मौत आनी है जब आएगी तुम्हारी खातिर, मौत से पहले बहुत पहले ही मर जाओगे, ये होना है। आप कह रहे हैं कि कवि की आवाज है बिल्कुल आखिर कमेंट के साथ, ये किसी की आवाज सुनते हैं, लग रहा है सुनाई देगी अगर रात भर भी रहे, देखते हैं, वो अपने हथियार आजमाए, हम अपना हुनर आजमाते हैं, हम अपनी आवाजों का शोर आजमाते हैं, देखते हैं कितनी बेहिसी उनके कानों में है, देखते हैं उनके कानों के पर्दे में सरकारी जो एक आदेश ठूसा हुआ है वो कब तक कारगर रहता है,